हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग जी? आज मैं जा रही हूँ फिर से चर्च, क्योंकि आज दिन ही ऐसा है। तो बस अभी मैं रेडी होती हूँ तो फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो यहाँ जी मैं रेडी हो चुकी हूँ और कपड़े मेरे जो है वो हैंग हुए हुए थे। उस दिन हम लोग एली के घर गए तो उसके बाद मैं गई नहीं। मैं जब एक मरतबा ड्रेस पहनती हूँ तो फिर मैं उसे हैंग कर देती हूँ, फिर ये होता है कि वो दोबारा काम आ जाता है थोड़ी देर के लिए पहनते हैं। तो फिर यही हो, मैं जाती तो कहीं हूँ नहीं, बस चर्च जाना होता है। तो अम्मी के घर तो वैसे भी मेरा चक्कर नहीं लग रहा, तो इस वजह से मेरे हैंग हुए हुए थे, तो बस मैं रेडी हुई हूँ। तो बस अब हम लोग निकलते हैं। तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि मेरे कमरे में जो है वो कोई भी नहीं है, क्योंकि मेरी शहजादियाँ जो है वो ट्यूशन गई हुई हैं, इसलिए तो इतनी खामोशी है कमरे में, कोई भी नहीं है। मियाँ जी भी खाना खा के बाहर चले गए हैं और बस अब मैं हूँ जो, तो मैंने चर्च के लिए चली जाना है। तो जब तक मैं आऊँगी तब लोग, वो लोग भी ट्यूशन से आ जाएंगे। 7 बजे तक उनका टाइम है और 7 बजे तक जो है वो चर्च ख़त्म हो जाता है। तो बस अब मैं निकलती हूँ, क्योंकि 6 जो है वो बज चुके हैं। तो लाइट्स वगैरह जो है मुझे ऑफ करके जानी है, क्योंकि कोई है नहीं है। तो यहाँ जी चर्च हम लोग पहुँच चुके हैं। उस दिन काफ़ी मैं लेट थी तो इसलिए मैंने बाहर का व्यू, ये बाहर का व्यू है और वो अंदर का है। तो अभी हम लोग जो है चर्च के अंदर जाने लगे। तो जी यहाँ मैं चर्च से आ चुकी हूँ। तो चर्च के अंदर जो है वो जब मैं पहुंचती हूँ तो प्रे शुरू हो जाती है। तो फिर अंदर जो है वो, ऐसे मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में अंदर के जो है वीडियो बना के दिखाया आपको। भाई पानी पिला दो मुझे, अगर पिला इलेक्ट्रिशियन से भी आ गई है। हाँ तो आ गई हूँ, रोटी मिल जाती है, मैंने आना नहीं था वापस। पानी पिलाओ मुझे। तो इसीलिए फिर मैं वहाँ पे निकलते वक्त भी वीडियो नहीं बनाती, फिर काफ़ी लोग होते हैं, भीड़ जमा होती है, इस वजह से वीडियो हम लोग बना नहीं पाते। तो आज बड़ी बात है सुनरिया, वो लाइट नहीं गई क्या? तो आटा निकाल के रखो, मैं चेंज करके फिर रोटी बना के देती हूँ। अच्छा ना यार, चेंज तो करने दो, नहीं और कहाँ से मैं बना के दूँ। चलो, तो 7 बजे जो है हमारे यहाँ पे लाइट चली जाती है, इसीलिए मैं फ़ोन साथ लेके जाती हूँ, फिर अंधेरा हो जाता आते वक्त। तो लेकिन आज तो बड़ा अच्छा हुआ, करिश्मा हो गया और ये यहाँ लाइट भी चली गई। लाइट ऑन करो, चार्जिंग कर भी दो। अभी चली है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और जी रात को आगे मैंने व्लॉग जो है वो शूट नहीं किया, मैं देखने लग गई थी मूवी। तो जब मैं मूवी देख रही होती हूँ तो फिर मैं किसी तरफ वहाँ ध्यान जो है वो करती नहीं हूँ। तो मुझे हॉरर मूवीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस वो जब देखने लग जाती हूँ तो फिर बस जब तक तो ख़त्म नहीं होती जितना भी टाइम हो जाए, जबकि मुझे सुबह 6 बजे उठना होता है, तो फिर भी जो है वो लेट हो जाती हूँ। लेट होने की वजह तो आपको मैंने बताई है कि एक दिन ही ऐसा हुआ कि मेरे बच्चे नहीं गए, तो मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ। तो आज जो है पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसी तबीयत हो रही है कि कोई काम करने को भी दिल नहीं कर रहा और खाना बनाने को भी दिल नहीं किया, बच्चों को स्कूल भेजा है। तो अब आके बैठी हूँ, यही सोच रही हूँ कि क्या खाना बनाऊँगी आज। मैं बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा कोई काम करने को मेरा। तो बच्चे जब गए हैं तो उसके बाद जो है वो मैं सो गई हूँ, तो सो के अभी उठी हूँ। तो इस वक्त जो है वो 12 बज रहे हैं, तो मेरी तो मॉर्निंग जो है वो अभी हुई है, तो इसलिए तो बस यही बैठ के सोच रही हूँ कि क्या बनाया जाए। आज तबीयत जो है वो थोड़ी अजीब सी हो रही है। वैसे ये है कि मेरी तबीयत ख़राब होती नहीं है, क्योंकि मैं बड़ी ढीठ हूँ, मुझे कभी फ़ीवर भी नहीं हुआ, लेकिन बस वैसी कैफियत सी हो रही है। तो बस ये हो रहा है कि काम करने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन काम तो करना है। जब तक मेरी बेटियां नहीं बड़ी होती तब तक तो मैंने करना है। अभी रात में भी यही बात हो रही थी कि हम लोग बड़ी हो जाएंगी तो हम लोगों में काम जो है बट जाएगा, एक जो है वो साफ़ सफाई करेगी, एक जो है वो बर्तन धोएगी, एक जो है वो खाना बनाएगी, जो खाना बनाएगी वो काम नहीं करेगी।
तो मैंने बोला मैं क्या करूँगी, तो कहती हैं आप लोग जो आप जो है ना बस बैठना, हम लोग आपके काम करेंगे। तो वैसे ऐसा मैं नहीं सोचती, मैं यही कहती हूँ कि जब तक ये पढ़ सकती हैं ये पढ़ें, तो यही ज़रूरी है हमारे जैसी लाइफ ना हो, जैसी अच्छी लाइफ हो इनकी, तो ये पढ़ लिख के आगे जाएं। शादी का तो कभी कोई नाम ही ना ले, क्योंकि शादी जो है वो शुरू के दिन बहुत अच्छे होते हैं और आगे की जो ज़िंदगी है ना वो बड़ी ही मुश्किल होती है। जैसे कि अब मुझे अपनी बड़ी मुश्किल लगती है, मैं और किसी की बात नहीं करूँगी, लेकिन अपनी मुझे बहुत मुश्किल लगती है। ऐसा लगता है एक मुश्किलात ख़त्म होते हैं तो दूसरी मुश्किल जो है वो खड़ी हो जाती है। तो बस इसी तरह से ज़िंदगी गुजरती है, इसलिए मेरा दिल करता है कि ये लोग कभी भी शादी ना करें। ये लोग बोले ना हमें शादी नहीं करनी, तो मैं इनके फ़ैसले पे बड़ी खुश होंगी कि हाँ ये मैं भी नहीं करूँगी। वरना माँ बाप कहते कि नहीं शादी तो करनी है, तो लेकिन बड़ी बेकार चीज़ है भाई ये शादी। यहाँ देखें जी, ये लोग स्कूल से आ गई हैं और आते ही ये देखें ये होता है, ये बर्तन पड़े हुए हैं रोटी खा के, और यहाँ ये देखें शर्म नहीं आती कि आते ही बस फ़ोन पकड़ लिया है। वो दोनों कहाँ गई हैं, और फ़ोन की आवाज़ तो कम करो। तो यहाँ बच्चों को मैं भेज के ट्यूशन, तो अब जो है वो मैं खाना बनाने लगी हूँ। तो वो लोग जो हैं वो उन लोगों ने बाहर से ला के खा लिया था, तो अब तो शाम हो गई, उनके ट्यूशन का टाइम शाम 5 बजे का है, तो अभी वो लोग गई हैं तो मैं उनके लिए खाना रेडी कर लूँ, क्योंकि वो आते ही फ़ौरन बोलने लग जाती हैं खाना खाना। तो फाइनली मैं जो है ना आलू और अंडे बनाने लगी हूँ, क्योंकि वो हम लोगों को काफ़ी पसंद भी हैं, लेकिन ये है कि कुछ अब मुझे समझ नहीं आता ना, तो फिर ये बना लेती हूँ मैं। तो चले बस अब हम लोग जो है ना रेडी करते हैं, ताकि उनके आने तक जो है ना मेरा खाना बन जाए। तो यहाँ जी खाना मेरा बन रहा है, और मेरी नंद का फ़ोन आ गया था, तो इसलिए आगे ब्लॉग ही ना शूट कर पाई, तो उनसे बात करने लग गई मैं। और जी वो लोग मेरे उनके घर वाले और वो भी सब मेरा व्लॉग देखते हैं, ये 2 अदद अंडे हैं, तो अब ये मैं इसमें डालूँगी कि बस सब सालन मेरा जब वो हो चुका है। अंडे तो किसी भी सूरत में वो बच्चों को पसंद आ जाते हैं। तो यहाँ जी मेरा खाना जो है वो रेडी हो गया है, मैं रोटी भी बना के आ गई हूँ। तो इस वक्त जो है वो 6 बज गए शाम के, तो 7 बजे तक जो है वो मेरी बेटियाँ भी आ जाएंगी, तो फिर हम लोग खाना खाएंगे। तो देखिए मेरा कितनी जल्दी जो है वो खाना बन जाता है, अभी 6 बजे हैं तो बन गया है। वो इसलिए कि जब ये लोग स्कूल जाते हैं ना, तो फिर इसी तरह से हम लोग जो है वो जल्दी खाना बना लेते हैं। मुझे भी ये होता है कि लोग सो ना जाएं, खाना वगैरह खा के सोएं। तब जो है वो गर्मी काफ़ी लग रही थी, फ़ैन ऑन किया है मैंने। तो व्लॉग जो है वो किसी की दिल आज़ारी के लिए या किसी को बुरा लगे तो उसके लिए माजरत है, मैंने किसी की दिल आज़ारी के लिए नहीं ऐसा कुछ बोला शादी के बारे में। तो मैंने तो एक दुनियावी बात की है कि ये तो हर शादीशुदा लोग जो हैं वो इस बात को जानते होंगे कि अगली ज़िंदगी जो है वो बहुत टफ़ होती है, बड़ी मुश्किल होती है, बच्चे स्कूल और भी बहुत सारी चीज़ें घरों में जो होती हैं। तो अच्छी है लाइफ, ये नहीं कि बहुत बुरी है, बहुत अच्छी है कि हस्बैंड ने हर तरफ से आज़ादी दी हुई है, आज़ादी है। तो आज ब्लॉग बना रही हूँ मैं, बाहर भी मैं जाती हूँ, इसमें भी कोई कभी मुश्किल नहीं आई। तो वैसे एक बात की है मैंने कि अगली ज़िंदगी जो है वो इसलिए मुश्किल और बुरी लगती है कि और बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती हैं। तो ये नहीं होता कि हस्बैंड ही बुरा हो या ससुराल बुरा हो, ये सब नहीं है, सब अलग अलग बातें हैं। अगर कोई समझेगा तो सही है, लेकिन फिर भी मैं माजरत करती हूँ अगर किसी को बुरा लगे या किसी की दिल आज़ारी हो। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो देख रही थी कि मम्मा ने क्या शूट किया, तो वो हंस रही थी कि मम्मा आपने जो है वो शादी के बारे में बुरा क्यों बोला है। तो मैंने कहा मैंने वैसे एक बात की है, मैंने किसी के लिए बुराई नहीं की। कभी कभी ये सोचती हूँ कि जब मेरे वालदैन ने उन्हें बूढ़े हो रहे हैं तो उनको देखती हूँ ना, तो तब थोड़ा होता है कि यार काश हमारी शादी ना होती, हम लोग इनके लिए जो है वो रह जाते। तो इस वजह से मैं ऐसा कहती हूँ कि इसलिए मुझे शादी बुरी लगती है।
लड़कियों को तो हमेशा अपने माँ बाप के साथ ही रहना चाहिए। जब उनके उन्हें उनके हालातों पे देखते हैं, उन्हें बूढ़ा होते हुए देखते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ी मुश्किल होती है। ये मैं नहीं, ये हर बेटी सोचती होगी कि हम लोग होते तो शायद इस तरह से ना होता। तो इसीलिए आज का ब्लॉग अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल का मेरा ब्लॉग शुरू हुआ है वह तो आज ख़त्म हुआ है। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग करते हैं ख़त्म। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।